पेट पकड़ के हंसिए, मुंह पे हाथ रख के हंसिए, अगर घर के गार्जियन बैठे हो तो मुंह में कपड़ा डाल के हंसिए, लेकिन हंसिए, क्योंकि आपका हंसना तो भैया बनता है, आपकी हंसी अब जो है मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हम मजबूर कर देंगे आपके भेजे हुए चटपटे चुटकुले सुना के। अब बारी है आपके भेजे चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है अभिषेक भारद्वाज ने पटना से, भोलू गोलू से। एक बात बताओ, एक काली बिल्ली है, एक सफेद बिल्ली है, अगर काली बिल्ली कुएं में गिर जाए तो सफेद बिल्ली क्या बोलेगी? पता नहीं। अरे पागल, वो बोलेगी म्याऊ। अगला चुटकुला भेजा है देवघर से इश्तियाक हुसैन खान ने। एक बार ललन चाचा जो है साइकिल लेके पैदल भागे जा रहे थे। हटिए, टन 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 हटिए। बाप हटिए। ए चाचा कहाँ जा रहे? अरे मत पूछो, बहुत तेजी में हूँ। हटिए हटिए, बहुत तेजी में हूँ। अरे चाचा तो बैठ कहीं नहीं जाते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। अगला चुटकुला बेतिया से सुगंधा कुमारी वाजपेयी जी ने। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग तुम शादी के बाद अपने लिए अलग घर तो नहीं मांगोगी ना? बिल्कुल नहीं, पागल हो, मेरे लिए अलग घर नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी हो। हाँ लेकिन एक बात है, तुम अपनी माँ के लिए अलग घर दिला देना। भैया फरमाइश किया है किसी ने, किसने किया है? सरिता कुमारी जी ने फरमाइश किया है कि हम उनके दोस्त आशुतोष के लिए एक स्पेशल गाना सुनाएं। एक स्पेशल गाना सरिता की तरफ से आशुतोष को और एक स्पेशल गाना आशुतोष की तरफ से सरिता को, यानी दो फरमाइशी नगमे आप लोगों के लिए। अगला चुटकुला भेजा है सारांश तनेजा ने छपरा से। एक बार एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, एक बात बताइए भाई साहब, अगर आपका दोस्त और आपकी पत्नी दोनों कश्ती में डूब रहे हो तो आप किसको बचाएंगे? किसी को नहीं बचाऊंगा, दोनों को डूब जाने दो, ये दोनों एक साथ कर क्या रहे थे। अगला चुटकुला भेजा है कनिका धानी ने बक्सर से। एक बार एक आतंकवादी का बेटा अपनी माँ से बोला, मम्मी मम्मी पापा बहुत गंदा काम करते हैं, मैं पापा की तरह नहीं बनूंगा। शाबाश मेरे बेटे, तू क्या करेगा? मम्मी मैं जहाज चलाऊंगा। अच्छा बेटे, तो तू जहाज चलाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तू ही चला रहा है? माँ मैं ना जब घर के ऊपर से गुजरूंगा तो 3 बम गिरा दूंगा। पक्का अपने बाप का। भैया राजेंद्र गुप्ता जी ने अगला चुटकुला भेजा है बेगूसराय से। एक बार एक आदमी का होठ सूज गया था, जल गया था। डॉक्टर ने पूछा, आपका होठ कैसे जला? क्या पता है, हमारी बीबी कल मायके जा रही थी तो क्या हुआ, खुशी के मारे इंजन चूम लिए। हमारे साथ भी हुआ। इन चटपटे चुटकुलों के बाद और चटपटा और चटकारे लेने का मन कर रहा है, तो भैया हम मसालेदार गाने सुनाते हैं। मसालेदार तड़केदार गाने आपके लिए, सुनिए गाना नंबर 8, 7 और 6।